बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है, तो बने रहे हमारे लास्ट तक वीडियो में और एंड तक देखें। किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी डाउट या क्वेरीज है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं ताकि हम आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकें। और यहाँ पर आपको हम बहुत ही बेसिक से कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे कि ये एलजेब्रा की जो ट्रिक है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हर स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन बना रहता है प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में, इक्वल के बाद कहाँ पर कौन सा साइन लगाना है। तो इसको आप अगर बिल्कुल भी नहीं आता है तो भी आप आसानी से सीख सकते हो, जीरो से आप हीरो बन सकते हो, लेकिन आपको लास्ट तक जरूर देखना होगा। तो आइए देखते हैं किस तरह से ये मैजिकल ट्रिक है और बहुत ही शानदार ट्रिक। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 1 दिया हुआ है, एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 8, ये भी क्वेश्चन दी है और ये क्वेश्चन में एक्स की कोई भी पावर नहीं दिया है, यानी कि इसमें एक पावर दी है। अगर कोई भी पावर नहीं दी है तो इसमें हम 1 पावर ऐसे लगा सकते हैं। जब 1 पावर लगाते हैं तो इस इक्वेशन को हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरण। और अब इसके बाद में इस x को हम क्या बोलेंगे, x को हम बोलेंगे वेरिएबल, वेरिएबल को हम हिंदी में कह सकते हैं चर पद। और प्लस यहाँ पर 3 लिखा है और इक्वल टू 8 भी लिखा है, तो 8 और 3 क्या है, ये कॉन्स्टेंट है, क्योंकि 3 और 8 आपके कांस्टेंट माने जाते हैं, ये कांस्टेंट को हम कह सकते हैं अचर पद। अब देखिए कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पर ये साइन आपको प्लस दिख रहा है, ये प्लस का साइन दिख रहा है, तो इसको क्या करना है, अगर हम इस प्लस साइन को इस तरफ ले जाते हैं इक्वल के, आप लेफ्ट साइड ले जाएं या आप राइट साइड ले जाएं, तो आपका साइन क्या हो जाता है, प्लस का माइनस हो जाता है और माइनस का प्लस हो जाता है। इसी तरह से मल्टीप्लाई है अगर, तो मल्टीप्लाई का उधर जाएगा तो डिवीजन हो जाएगा, और डिवीजन है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यही आपको हमेशा ट्रिक याद रखना है। तो क्या करेंगे, एक्स इक्वल टू लिखेंगे, ये 3 को उधर ले जाएंगे तो 8 - 3 हो जाएगा। अब इसे आप सब्ट्रैक्ट करें कितना हो जाएगा, 5, यही आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल था, इसी तरह से ये क्वेश्चन है, इसमें ये माइनस दिया है तो इस तरफ ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा 10 + 3, इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 13 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका 13 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ये कुछ भी साइन नहीं है, इसका मतलब है कि ये मल्टीप्लाई में दिया है, तो इसको आप दाहिने साइड ले जाते हो तो ये डिवीजन में हो जाएगा। तो x इक्वल टू 12/6, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ पर डिवीजन में दिया है, तो डिवीजन में है तो यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, t इक्वल टू 10 × 5, तो t इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 × 5 = 50, ये आपका इसमें आंसर आएगा। अब देखिए ये भी एक क्वेश्चन दिया है, हमें p की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ये 17 दिया है, 17 ये कोई भी साइन नहीं है तो ये प्लस का साइन है, इधर जाएगा तो माइनस है, तो ये 6p = 9 - 17, तो 6p = यहाँ सब्ट्रैक्ट करें कितना वैल्यू आ जाएगा, माइनस का 8 आएगा। माइनस का 8 इसलिए आएगा क्योंकि इसमें जो वैल्यू जिसकी ज्यादा होती है उसी का साइन आता है, 17 यहाँ पर ज्यादा है और साइन माइनस का है तो माइनस आएगा, अगर यहाँ पर प्लस होता तो प्लस की वैल्यू यहाँ पर साइन लगाते। अब इसके बाद में पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, -8/ और ये इधर आएगा तो डिवीजन में है जो हो जाएगा 2 × 4 = 8, 2 × 3 = 6, तो पी की वैल्यू दोस्तों यहाँ से निकल के आएगी -4/3। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, ये देखिए डिफरेंट क्वेश्चन है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, राइट तो ये हो जाएगा आपका 8x + 4 = 3x, इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 × 3 + 7, और आगे सॉल्व करते हैं तो क्या वैल्यू आता है दोस्तों, 8x + 4 = यहाँ पर वैल्यू है 3x - 3 + 7, तो 8x + 4 = इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो ये माइनस का मैंने अभी बताया था कि जिसका वैल्यू ज्यादा होगा वही साइन आएगा, उसके बाहर जो साइन लगा हुआ है
तो ये प्लस लगा हुआ है तो कितनी वैल्यू बचेगी यहाँ पर, 3x प्लस 4 बचेगी। अब क्या करेंगे, ये x को अगर हम इधर लाते हैं तो ये माइनस में हो जाएगा, तो 8x माइनस 3x, और इस 4 को अगर हम उधर ले जाते हैं तो ये भी उधर माइनस में हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस यहां पर से देखिए जीरो आ जाएगा, तो ये कितना वैल्यू आ जाएगा, 5x इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 0 अपॉन 5, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, किसी भी वैल्यू में, वैल्यू से अगर जीरो में भाग देते हैं तो आपका वैल्यू जीरो ही आता है, तो ये इसका करेक्ट आंसर आएगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों, और आपको इसी तरह से वीडियोज भी मिलते रहेंगे। अभी तो ये मैंने सिंपल अप्रोच बताया है, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट बताया है, आपको अभी और भी क्वेश्चन है जो कि बहुत लेंदी है और हमें लगता है कि बहुत डर लगता है उन क्वेश्चनों को देख करके, तो वो भी आपको इजी तरीके से हम आपको सॉल्व कराएंगे। तो थैंक यू सो मच और विश यू ऑल द बेस्ट।